Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 30th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It is about India-Australia summit. And this topic is important from our syllabus, Paper 3, International Relations Point of View. So, this article talks about a virtual bilateral summit that is to be held between India and Australia. Aur is summit ke antargat, Indian Prime Minister Narendra Modi meet karenge with the Prime Minister of Australia, Mr. Scott Morrison, through a virtual platform, through a video conferencing. And this will be first virtual bilateral summit between India and Australia. वैसे तो ये समिट इस साल जनवरी में ही होने वाला था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया. आप सबको पता है कि इस साल काफ़ी भयानक बुश फायर का प्रॉब्लम हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इस कारण से ये जो समिट जनवरी में होने वाला था उसको एक बार के लिए डेफर कर दिया गया था, और उसके बाद ये लगातार डिले होता रहा बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस. लेकिन अब दोनों देशों ने फैसला लिया है दैट दे विल कंटिन्यू विद दिस समिट ऑन द अपकमिंग 4th जून. सो एक बार जरा देखते हैं कि कौन कौन से एजेंडाज डिस्कस किए जाएंगे इन द अपकमिंग समिट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सबसे पहला जो पॉइंट होगा दैट विल बी डिस्कस्ड इज म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट. तो ये अग्रीमेंट अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन फॉर्म में है, फेज में है, और मोस्ट प्रोबेबली जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मीट करेंगे तो ये अग्रीमेंट हो सकता है कि फाइनली साइन भी हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट देयर विल बी ग्रेटर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ एंड देयर विल बी लार्जर स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. अभी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज्वाइंट आर्मी या ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइजेस होते हैं, लेकिन अगर ये हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया तो अब ऑस्ट्रेलिया नेवी इंडिया पोर्ट्स पे आकर के रिफ्यूलिंग एक्टिविटीज़ या बर्थ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं. लाइकवाइज इंडियन नेवी कैन ऑल्सो गो टू द ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स एंड कैन यूटिलाइज द रिफ्यूलिंग एंड बर्थ फैसिलिटीज़. दूसरा जो एजेंडा होगा वो दैट विल बी टू स्ट्रेंथन द मेरीटाइम कोऑपरेशन. सो देखो, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का अगर ओशन के कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न देखा जाए, मेरीटाइम कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न देखा जाए, तो वो है चाइना. दोनों ही कंट्री चाइना के एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में, इसको हम लोग कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन में ये लोग चाइना के एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस कारण से देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन ऑन स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑलरेडी इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पिछले साल 2019 में एक बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज किया था जिसका नाम था ऑसी इंडेक्स. और इस समिट के बाद हो सकता है कि ये जो बायलेटरल नेवी एक्सरसाइजेज हैं इसको और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए और उसको वापस से और फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ की तरह लिया जाए. आपको एक बात बस ध्यान रखनी है कि ये जो ऑसी इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दैट वाज अकॉर्डिंग टू एन अग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 2014 इटसेल्फ. दैट अग्रीमेंट वाज नेम्ड फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन. ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 2014 नवंबर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया का. उसके अलावा जो तीसरा एजेंडा होगा दैट विल बी रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियाज पुश फॉर इंडक्शन इन मालाबार एक्सरसाइज. तो मालाबार एक्सरसाइज आपको मैं ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ, इट्स अ ट्राई लेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब तीन देशों की नेवी मिल करके एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है. दिस मालाबार एक्सरसाइज बिगेन इन 1992 एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन नेवी. तो इंडिया और यूएस की नेवी ने मिलकर के एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज की तरह इसको शुरू किया था 1992 में. बाद में इसको जापान ने ज्वाइन कर लिया 2015 में, और अब ऑस्ट्रेलिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस मालाबार एक्सरसाइज, और इसके साथ ही ये
क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया को इसमें एंट्री दे दी गई तो। और ऑस्ट्रेलिया इसमें एंट्री इसलिए चाहता है ताकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने नेवी की कोऑर्डिनेशन इंडिया, जापान और यूएस की नेवी के साथ बिठा सके और वो इस रीजन में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस रीजन में चाइनीज एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को कर्व कर सके। ऑस्ट्रेलिया में ऑल्सो रिक्वेस्ट इंडिया टू ज्वाइन आरसीईपी। आप सबको पता है कि पिछले साल नवंबर में इंडिया पुल्ड आउट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस आरसीईपी को मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ इस इशू को। इट इज़ अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज और इसके से इंडिया ने लास्ट लेग में इससे पुल आउट कर लिया बिकॉज ऑफ सम रिजर्वेशन सम कंसर्न्स। इंडिया को डर है कि चाइना से इंडिया के अंदर डंपिंग बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं खासकर मिल्क प्रोडक्ट्स उनकी इंपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ जाएगी और जिसके कारण इंडियन फार्मर्स को सफर करना होगा। एंड दैट इज व्हाई इंडिया डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ आरसीईपी। इंडिया हैज नॉट जॉइंड आरसीईपी। उसके अलावा देयर माइट बी नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्ट कोऑपरेशन अग्रीमेंट सीका, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीईसीए। तो एक बार जरा सीका का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस फिगर की मदद से, देन वी विल कम बैक टू दिस। देखो, किसी भी दो कंट्री के बीच में जो उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, जो इकोनॉमिक रिलेशन या ट्रेड रिलेशन होता है, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो सबसे लोएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन होता है या कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ट्रेड अग्रीमेंट या पॉजिटिव ट्रेड अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के हिसाब से दो कंट्री आपस में नेगोशिएट करते हैं कि वो कुछ एक प्रोडक्ट के लिए जो इस अग्रीमेंट के अंदर मेंशन किए हुए होते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए वो टैरिफ्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। देखो, जीरो कभी नहीं करते, लेकिन मान लो कि दो कंट्री ने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के ये प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है आपस में, तो उन्होंने 10 आइटम्स का नाम रख लिया, मान लो मार्कर, टोमेटोज, पोटैटोज, कि इन 10 आइटम्स पे हम लोग एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम चार्ज करेंगे। दैट इज नोन एज पीटीए। उससे हाइयर लेवल का इंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कैसा होता है, ज्यादातर जो गुड्स होते हैं उन सब में लिबरलाइज्ड नॉर्म्स लगा दिए जाते हैं कि हम लोग लगभग सारे के सारे गुड्स के ट्रेड में एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम चार्ज करेंगे। उसमें कुछ एक प्रोडक्ट एक्सेप्शन की तरह रख दिए जाते हैं कि इन एक प्रोडक्ट्स पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाएंगे, बाकी रिमेनिंग हर एक प्रोडक्ट पे हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को लिबरलाइज कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये मेन अंतर है पीटीए और एफटीए में। देखो, पीटीए में कुछ एक आइटम्स मेंशन किए जाते हैं कि इन पे टैरिफ्स कम किया जाएगा और एफटीए में कुछ एक आइटम्स मेंशन किए जाते हैं कि इस पे बस टैरिफ रहेगा, बाकी सब पे टैरिफ कम कर दिया जाएगा। तो दिस इज मेन डिफरेंस। ऑफ कोर्स एफटीए इज अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एफटीए से भी हायर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट यानी कि सीका, इसके अंदर देयर विल बी लिबरलाइज्ड ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एफटीए में देयर विल बी लिबरलाइज्ड ट्रेड इन गुड्स ओनली, बट सीका में देयर विल बी लिबरलाइज्ड ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। देखिए, सर्विसेज में कैसा है कि हमारे यहाँ से मान लो कोई BPO सर्विस दे रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, सो दीज आर सर्विसेज दैट आर बींग ट्रेडेड बिटवीन द टू कंट्रीज। हमारे यहाँ से कोई प्रोफेशनल जाकर के अगर ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर हम दो कंट्री सीका साइन कर लेते हैं तो सर्विसेज के अंदर भी जो ट्रेड होते हैं उसमें जो टैरिफ है या जो भी ड्यूटीज है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। सो दैट इज मेन डिफरेंस इन FTA, लिबरलाइज ट्रेड ओनली इन गुड्स। इन सीका, लिबरलाइज ट्रेड इन बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। और एक बात अब आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में सीका साइन करना चाहते हैं और इसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है वे बैक फ्रॉम 2011 इटसेल्फ, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। आपको एक बात समझनी होगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी नहीं है एंड वी आर नेगोशिएटिंग सीका, लेकिन सीका भी पिछले 9 सालों से फाइनलाइज नहीं हो पाया। 2011 से ये प्रपोजल में है लेकिन अभी तक ये साइन नहीं हो पाया है। उसके अलावा द सिक्स्थ एजेंडा विल बी फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग WHO टू अवॉइड कोविड लाइक क्राइसिस इन फ्यूचर। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी हाल फिलहाल में कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कई सारे रिजर्वेशन रेज किए अगेंस्ट चाइना। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोविड क्राइसिस। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया इज वेरी मच डिटर कमिटेड टू स्ट्रेंथन WHO टू अवॉइड सच क्राइसिस इन फ्यूचर। तो आने वाले जो ये समिट है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसमें इस बात पे भी चर्चा हो सकती है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन WHO।
एक बार जरा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं, पूरी बैकग्राउंड जरा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन नेगोशिएटिंग सीका सिंस 2011 इटसेल्फ। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दे डोंट हैव इवन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अमंग्स देमसेल्फ। और इन दोनों कंट्री के बीच में वैसे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ट्रेड का, लेकिन अभी तक ट्रेड काफ़ी लिमिटेड ही रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर पिछले 10 सालों का ग्रोथ देखें, ये डेटा मैंने आपके सामने दे रखा है, 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो टोटल वॉल्यूम था दैट वाज समवेयर अबाउट $9.3 बिलियन, और वो 11 सालों में फ्रॉम 2007 टू 2018 $9.3 बिलियन से बढ़ के बस $20.8 बिलियन हो पाया है। तो रियल सेंस में अगर देखा जाए तो कोई इंक्रीज हुआ नहीं है इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स, क्योंकि देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 7-8 सालों में तो हर एक चीज़ की प्राइस डबल हो जाती है, तो वॉल्यूम वही रह गया है गुड्स का, खाली उनकी प्राइस डबल होने के कारण वैल्यू में ये लगभग $9 बिलियन से बढ़ के $20 बिलियन तक हुआ है। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वैसे तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ट्रेड का, लेकिन हमारे बीच में ना ही कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है या ना ही कोई सीका अग्रीमेंट है, इस कारण से जो ट्रेड का ओवरऑल वॉल्यूम है वो काफ़ी लिमिटेड रहा है, काफ़ी स्टैग्नेंट रहा है पिछले 10-12 सालों में। एक बार जरा सा ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। तो आपको एक बात वैसे पता भी होगी कि ऑस्ट्रेलिया इज के जो फार्मर्स हैं दे आर वेरी मच टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एंड दे यूज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। उनके फार्मर्स के पास अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और सीडिंग करके आ जाते हैं, और बाद में उनके पास बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन्स होते हैं जिससे वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे आप सोचो कि उनका जो एक फार्मर है वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता होगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस करता है, उनके पास कई सारा बहुत सारा लैंड भी है। तो इस कारण से उनका जो फार्मर्स है उसका कोई भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फिगर की मदद से दिखाया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बस ये हाइपोथेटिकल फिगर्स दिए हैं कि मान लो ऑस्ट्रेलियन फार्मर है, अगर वो वीट उगाएगा तो उसको हार्डली खर्च आएगा ₹10 per kg, वही इंडियन फार्मर है उसको वीट उगाना होगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी समवेयर अबाउट ₹30 per kg। रीजन बींग कि ऑस्ट्रेलियन फार्मर हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स यूज कर रहा है, जबकि इंडियन फार्मर्स इसके पास उतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है और इस कारण से इसका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इस कारण से जब ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स का कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, अगर वैसे हालात में हमने ट्रेड लिबरलाइज कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स के जो फूड क्रॉप्स हैं वो इंडियन मार्केट में बिकने लगेंगे, और जो हमारा इंडियन फार्मर है उसका फूड क्रॉप फिर इंडियन मार्केट में ही नहीं बिक पाएगा। इंडियन फार्मर्स विल हैव टू फेस ह्यूज लॉस, दे विल हैव टू इनकर ह्यूज लॉस, और इंडियन फार्मर्स विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव एंड दे विल बी फोर्स आउट ऑफ इंडियन मार्केट इटसेल्फ। और इस कारण से इंडियन फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो सीका अग्रीमेंट है उसमें वो खासकर इंसिस्ट कर रहा है, ये जो सीका का अग्रीमेंट हमने प्रपोज किया 2011 से ही, उसमें ऑस्ट्रेलिया खासकर इंसिस्ट कर रहा है कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के फील्ड में लिबरलाइजेशन लेकर के आओ ट्रेड में, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, लेकिन अगर ऐसा कर दिया गया तो हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इंडिया इस पॉइंट पर बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू लिबरलाइज ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडिया वॉन्ट्स टू लिबरलाइज ट्रेड इन सर्विसेज जहां पे हमारा स्ट्रेंथ है, इंडिया वॉन्ट्स टू लिबरलाइज ट्रेड इन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडिया का स्ट्रेंथ है। तो इस कारण से ये जो सीका अग्रीमेंट है वो पिछले 9-10 सालों से प्रपोजल फेज में ही है लेकिन साइन नहीं हो पा रहा है। इंडिया प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ इट्स फार्मर बाय इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये अगर ऑस्ट्रेलियन फार्मर ने मान लो कि ₹10 per kg वीट उगाया भी है, लेकिन जब ये इंडिया में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी, मान लो ₹30 per kg, तो ओवरऑल इसका कॉस्ट इंडिया के अंदर जब मार्केट में इंटर होगा तो हो जाएगा ₹40 per kg, और इस तरह से इंडियन फार्मर का इंटरेस्ट बचा रहेगा क्योंकि उसका कॉस्ट रिलेटिवली फिर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशंस को भी जरा देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया शेयर अ कॉमन कंसर्न दैट इज चाइना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों का एक मेजर कंसर्न है, दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया इज वरीड अबाउट चाइनीज प्रेजेंस इन द पैसिफिक रीजन, वाइल इंडिया इज वरीड अबाउट इंक्रीज चाइनीज एक्टिविटी इन इंडियन ओशन रीजन। और इस कारण से ऑस्ट्रेलिया और
इंडिया की नेवी ने लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नेवल एक्सरसाइज भी किया था जिसका नाम था ऑसी इंडेक्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रहे हैं फ्रॉम वे बैक 2016, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज और ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप बिटवीन फोर कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है, दैट इज रिजल्ट ऑफ यूएस पॉलिसी ऑफ रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव। रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव में मैं आपको कई दफा इंटरनेशनल रिलेशंस में बता चुका हूं, रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव ऑफ यूएस इज हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटरिंग द यूनिलैटरल राइज ऑफ चाइना। यूएस नहीं चाहता कि चाइना बस अकेला ग्रो करे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टनर्स लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इस कारण से यूएस ने एक पॉलिसी चलाई है जिसका नाम है रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव है कि चाइना के ग्रोथ को, जो यूनिलैटरल ग्रोथ है, अग्रेसिव ग्रोथ है, उसको कर्ब किया जाए। और इसी रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है क्वाड, जिसके चार कंट्री मेंबर हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज रिगार्डिंग मिनियापोलिस प्रोटेस्ट। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर टू वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, एक मेजर डिफरेंस जो यूपीएससी के जीएस सिलेबस में और एपीएससी के जीएस सिलेबस में है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ एपीएससी जीएस सिलेबस, लेकिन ये यूपीएससी के सिलेबस में है। फिर भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको ठीक ठाक सा अंदाजा होगा, इवन एपीएससी एस्पिरेंट्स, दे शुड रीड वर्ल्ड हिस्ट्री टू सम एक्सटेंट। इसकी मदद से वो बेहतर एसे लिख सकते हैं, एंड नो डाउट वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी मदद होगी। सो दिस आर्टिकल, दिस मिनियापोलिस प्रोटेस्ट की मदद से हम कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट्स को देखेंगे, खासकर रेसिज्म को समझने की कोशिश करेंगे इन यूएस। एंड द आइडियाज डिस्कस्ड हियर विल बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग अ गुड एसे, एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उसमें रेसिज्म एज इट इज एक टॉपिक है। सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं। सो देखो, दिस मैन इज जॉर्ज फ्लॉड, एंड जॉर्ज फ्लॉड इज अ 46 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब सरल शब्दों में, इनको वहां पे यूएस के अंदर इन लोगों को कलर्ड पीपल बोलते हैं या ब्लैक पीपल बोलते हैं। जॉर्ज फ्लॉड इज अफ्रीकन अमेरिकन और अ कलर्ड पीपल ऑफ यूएसए, एंड ही लिव्ड इन मिनेसोटा स्टेट। ये है मिनेसोटा स्टेट ऑफ यूएसए, ऑफ इट इज इन द नदर्न साइड ऑफ यूएसए। और मिनेसोटा का एक सिटी है मिनियापोलिस, वहाँ पे ये रहते हैं। और इनके अगेंस्ट एक चार्ज लगाया गया, दैट ही वाज यूजिंग अ काउंटर फीट नोट ऑफ $20। तो एक जाली $20 का नोट इस्तेमाल कर रहे थे ये फॉर सम शॉपिंग पर्पस। और फिर इनके अगेंस्ट ये कंप्लेन किया गया, और उस कंप्लेन के बाद इस तरह के चार वाइट पुलिस मैन आए, एंड दे थ्रैश्ड हिम वेरी बैडली, दे टॉर्चर्ड हिम। इस तरह से आप देख सकते हैं इस इमेज में भी, दीज वाइट पीपल, दीज वाइट पुलिस, दे टॉर्चर्ड हरेस्ट जॉर्ज फ्लॉड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जॉर्ज फ्लॉड डाइड। और इसके बाद से, आफ्टर दिस डेथ, because of this brutality of police, there has been a massive protest against racism in US. लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह का atrocity, इस तरह का torture, इस कारण से पुलिस ने किया है because he was black. अगर ये कोई white person होता तो उसके साथ इस तरह की atrocity पुलिस नहीं करती। और इस कारण से racism का ये issue निकल के आया है, and against racism now there has been a protest. पहले तो ये protest यहाँ Minneapolis state से start हुआ, now this has spread across many states of USA. आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम लॉस एंजलिस टू फिनिक्स टू न्यूयॉर्क, इवन पूरे यूएस भर में इस तरह के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, एंड पीपल हैव ऑल्सो टर्न वायलेंट। अब जॉर्ज फ्लॉड ने एक स्टेटमेंट दिया था व्हेन ही वाज बीइंग थ्रस्ट लाइक दिस, उस टाइम में उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। व्हेन ही वाज बीइंग थ्रस्ट लाइक दिस, ही रिपीटेडली सेड दैट आई कांट ब्रीथ, प्लीज लेट मी गो। तो ये फिर ये जो स्टेटमेंट था उनका, वन ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ हिज लाइफ बिफोर ही डाइड, आई कांट ब्रीथ, ये बन गया है सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इसको लोग लेकर के प्लेकार्ड पे इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, मतलब दे वॉन्ट जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉड। एक्चुअली दिस आई कांट ब्रीथ इज अ न्यू स्टेटमेंट फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म इन यूएसए। तो मैं आई कांट ब्रीथ पे इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि डायरेक्टली एग्जाम में वो लिख के इस तरह से प्रीलिम्स में पूछ दें, या आई कांट ब्रीथ मूवमेंट रिसेंटली सीन इन यूएसए इज रिलेटेड टू, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि रिसेंटली सीन इन न्यूज आई कांट ब्रीथ मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। इस तरह का सवाल उठ सकता है, बिकॉज दिस आई कांट ब्रीथ हैज बिकम वेरी पॉपुलर। अब
ये जो पूरा का पूरा न्यूज है, ये तो देखो अपने आप में एक फैक्ट है कि देर वॉज अ पुलिस एट्रोसिटी अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन इन यूएस। लेकिन ये जो पूरा का पूरा रेसिज्म है यूएस के अंदर, इसकी पूरी हिस्ट्री जरा हम यहाँ पे ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेसिज्म का रूट है कहाँ पे। तो देखो यूएस के अंदर तो वैसे जो ओरिजिनली लोग रहते हैं वहाँ के, वो एबोरिजिनल ट्राइब्स के लोग रहते थे फ्रॉम 15-16 सेंचुरी इटसेल्फ, जब पहली बार कोलंबस ने डिस्कवर किया यूएस एक लैंड को, तो वहाँ पे जो ओरिजिनली लोग रहते हैं उनको इंडियंस कहते हैं या अमेरिकन इंडियंस कहते हैं। तो उन वो थोड़ा सा ट्राइबल टाइप के लोग हैं, बट नेवर द लेस दे आर वाइट इन कलर, इनफैक्ट दे आर रेड वाइट इन कलर। और ये जो यूरोपियन लोग हैं, धीरे धीरे जब कोलंबस ने इसको डिस्कवर कर दिया तो धीरे धीरे यूरोपियन लोग यहाँ से जाकर के, बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ यूएस में जाकर के सेटल होने लगे, और इस तरीके से कई सारे यूरोपियंस भी यहाँ पे जाकर के सेटल हो गए। और ये ट्राइबल यूएस के जो इंडिजिनस लोग थे और ये यूरोपियन लोग धीरे धीरे मिक्स होने लगे। लेकिन 17 सेंचुरी में जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने लगा यूरोप में, तो उसके बाद से कई यूरोपियंस जा करके यूएस के अंदर, वहाँ पे इन्होंने फिर यूएस को कॉलोनाइज करने की कोशिश की, यूएस को फिर से उस सब्जुगेट करने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर के इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की। तो बात आपको समझनी है कि यहाँ पे पहले से जो अमेरिकन्स रह रहे थे उनको रेड इंडियंस या एबोरिजिनल इंडियंस कहते हैं, दे वेर ऑल्सो वाइट, बहुत सारे यूरोपियंस 15 सेंचुरी में ही जाकर के बस गए, तो दे ऑल्सो बिकेम अमेरिकन्स। लेकिन 17 सेंचुरी ऑनवर्ड्स आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो यूरोपियंस गए वो यहाँ बसने के मूड से नहीं गए, बसने के इंटेंशन से नहीं गए, और वो वैसे ही गए यूएस के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे इन ऑर्डर टू कॉलोनाइज एंड टू मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ इंडिया, वैसे ही ये लोग अमेरिका के अंदर भी जाकर के यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स करने लगे, प्लांटेशन पे इन्वॉल्व हो गए, बिजनेस में मर्चेंट का काम करने लगे, और उस पर्पस के लिए इनको बहुत सारे स्लेव्स चाहिए थे जो इनके काम में उनको हेल्प करें। और इस कारण से ये यूरोपियंस जो कैपिटलिस्ट थे, ये यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे, दे स्टार्टेड बाइंग स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर इस तरह के स्लेव्स को कैप्चर किया जाता था एंड दे वर टेकन टू यूएसए टू वर्क इन द प्लांटेशन फील्ड्स ऑफ दीज यूरोपियन सेटलर्स। तो इस तरीके से अब ये अफ्रीकन लोग जो अफ्रीका में इन जनरल रहते थे, दे वेर नाउ ट्रांसपोर्टेड टू यूएसए, और इस तरीके से ये ब्लैक या कलर्ड पीपल वेर नाउ ट्रांसपोर्टेड टू यूएसए। एंड अकॉर्डिंग टू सम डेटा अबाउट 40-60 lakh सच स्लेव्स वेयर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू यूएसए। सो धीरे धीरे जैसे कि जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया को कैप्चर किया था, वैसे ही उन्होंने अमेरिका को भी कैप्चर कर लिया था, और अब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुआ। जो इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उसी तरह का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस में भी चालू हुआ। तो जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, जो रेड इंडियंस थे या स्टार्टिंग में जो यूरोपियन जाके वहाँ सेटल हो गए, तो वो अपने आप को अमेरिकन मानते थे, एंड दे नाउ स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस, एंड देयर वॉज एन अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर that spanned from 1775 to 1783, and as a result of this अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इट बिकेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। दो जो मेन इनके लीडर थे, ऑफकोर्स फर्स्ट जॉर्ज वाशिंगटन, हु ऑल्सो बिकेम फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर। उसके अलावा जो इसके पीछे जो मेन थिंकर थे, ही वॉज थॉमस जेफरसन ऑफ यूएसए, ही इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन यूएसए। तो अब एक मजेदार बात यह है कि वैसे तो जॉर्ज वाशिंगटन या थॉमस जेफरसन, दे टॉक्ड अबाउट लिबर्टी, दे टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, लेकिन जब इनका देश आजाद हो गया, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा यूएसए का, तो उसमें इन्होंने स्लेवरी को रिटेन रखा, उसमें इन्होंने ब्लैक पीपल को इक्वालिटी या लिबर्टी नहीं दी, एंड द एट्रोसिटी अगेंस्ट ब्लैक पीपल द स्लेवरी कंटिन्यूड। पहले वो यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स के लिए स्लेव थे, अब बाद में इंडिपेंडेंट अमेरिका के अंदर अमेरिकन वाइट अमेरिकन्स के लिए यही ब्लैक लोग स्लेव्स हो गए, और ये स्लेवरी का सिस्टम चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे ब्लैक लोगों ने भी अपना सिविल मूवमेंट स्टार्ट किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, देयर सिविल राइट्स, कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए। तो ये मूवमेंट भी धीरे धीरे
पिक करने लगा एंड दैट मूवमेंट वॉज एट पीक ड्यूरिंग 1861 टू 1865 एंड दिस इज टाइम इज नोन एज द टाइम ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका सिविल वॉर एंड इमेंसिपेशन मूवमेंट दिस मूवमेंट वॉज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग सिविल राइट्स टू ब्लैक पीपल और इसमें इसके जो मेन लीडर थे ऑफकोर्स ही वॉज अब्राहम लिंकन ही ऑल्सो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये जो टाइम 1861 से 1865 का इस टाइम में अब्राहम लिंकन ही प्रेसिडेंट था अमेरिका के और आप सोचो कि अब्राहम लिंकन खुद चाहते थे कि ही वॉज वाइट ऑफकोर्स बट वो खुद चाहते थे कि ब्लैक लोगों को उनको पूरी सिविल राइट्स दी जाए एट पार विथ वाइट पीपल लेकिन डिस्पाइट बींग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो वाइट लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा था इवन ऑन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कि अब्राहम लिंकन को भी ये ब्लैक लोगों को उनके पूरे सिविल राइट्स देने के लिए बहुत फाइट करना पड़ा और 1865 में फाइनली ऑन इंसिस्टेंस ऑफ अब्राहम लिंकन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स 13th अमेंडमेंट लाया गया इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद दिस स्लेवरी वाज ऑफिशियली एबोलिश तो अब्राहम लिंकन के कंसिस्टेंट फाइट के कारण कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण स्लेवरी को फाइनली एबोलिश कर दिया गया अमेरिका के अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ 13th अमेंडमेंट लेकिन आपको जान के ये सरप्राइज होगा कि बिकॉज ऑफ दिस वॉज द मेन इंसिडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ विच अब्राहम लिंकन वॉज असैसिनेटेड तो वाइट लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ब्लैक्स को एट पार उनको राइट्स दिए जाए और जब अब्राहम लिंकन के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण ब्लैक लोगों के अगेंस्ट स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया तो अब्राहम लिंकन वॉज प्रेसिडेंट वॉज असैसिनेटेड उनको मार दिया गया लेकिन फिर भी ये मूवमेंट तो स्टार्ट हो ही गया था ब्लैक लोगों को अब धीरे धीरे सिविल राइट्स तो मिलने शुरू हो ही गए थे तो 13th अमेंडमेंट के बाद स्लेवरी अबॉलिश हो गया 14th अमेंडमेंट दैट वाज ब्रॉट इन 1867 दैट ब्रॉडेंड द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप दैट ग्रांटिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल हु हैड बीन इनस्लेव तो अब धीरे धीरे जो स्लेव लोग थे उनको भी अब इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाना शुरू कर दिया गया अगेंस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ और फिर 15th अमेंडमेंट लाया गया इन 1870 तो लगातार 13th 14th 15th अमेंडमेंट तीनों में धीरे धीरे ब्लैक लोगों को एट पार पावर दिए जाने लगे एट पार प्रोटेक्शन दिए जाने लगे विथ रिस्पेक्ट टू वाइट पीपल जो 15th अमेंडमेंट था दैट गारंटेड दैट सिटीजन्स राइट टू वोट वुड नॉट बी डिनाइड ऑन अकाउंट ऑफ रेस और कलर तो सरल शब्दों में जो ब्लैक मेल थे उनको वोटिंग राइट दे दिया गया एट पार विथ वाइट मेन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ध्यान रखें वेमेन को तो वैसे भी वोटिंग राइट अभी तक नहीं था लेकिन ब्लैक मेल को एट पार विथ वाइट मेल वोटिंग राइट दे दिया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 15th अमेंडमेंट लेकिन जब ब्लैक लोगों को पूरी तरह से हर एक लगभग सिविल राइट्स दे दिए गए एट पार विथ वाइट पीपल तो फिर वाइट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो गया अमेरिका के अंदर और कई सारे वाइट प्रोटेक्टिव सोसाइटीज़ निकल के आए उसमें से जो सबसे खतरनाक था दैट वाज कू क्लुक्स क्लैन मूवमेंट और ये क्या करता था एक्सट्रीम वायलेंस करता था ब्लैक लोगों को इंटीमिडेट करता था धमकाता था इवन वो गलत वोटिंग फ्रॉड भी कर लेता था इलेक्शंस में फ्रॉड भी कर देता था ब्लैक लोगों को वोट करने भी नहीं देता था और इस तरीके से ब्लैक लोगों को वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली तो एट पार पावर मिल गए कॉन्स्टिट्यूशनली तो एट पार प्रोटेक्शन मिल गया लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में वो उस इक्वालिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और अमेरिका के अंदर एक तरह का कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में और इस कन्फ्लिक्ट के कारण ही 1890s में एक लॉ लाया गया दैट इज पॉपुलरली नोन एज जिम क्रो लॉज और जिम क्रो लॉज के हिसाब से सेपरेट स्कूल सेपरेट कार सेपरेट डिपो सेपरेट होटल सेपरेट थिएटर रेस्टोरेंट एवरीथिंग इवन बार्बर शॉप वॉज सेपरेटेड फॉर ब्लैक एंड वाइट मतलब आप इस फिगर की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर फाउंटेन ड्रिंकिंग फाउंटेन भी है तो वाइट के लिए अलग कलर्ड पीपल के लिए अलग ब्लैक टर्म को यूज करना बंद कर दिया गया था ब्लैक को अब कलर्ड पीपल बोलते थे तो सब चीज़ अलग स्विमिंग पूल अलग रेस्ट रूम अलग इस तरीके से ये दैट वाज द थीम ऑफ जिम क्रो लॉज कि ठीक है ब्लैक लोगों को हम इक्वालिटी देंगे ब्लैक लोगों को सारे फ्रीडम देंगे प्रोटेक्शन देंगे लेकिन दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम वाइट पीपल क्योंकि जब अगर इन दोनों को हम साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे देयर विल बी वायलेंस और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस किया गया यूएस के सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सब कुछ अलग अलग किया गया है सेग्रीगेशन किया जा रहा है दिस इज वायलेशन ऑफ 14th अमेंडमेंट दैट ग्रेव इक्वल सिविल राइट्स टू ब्लैक पीपल ये केस काफ़ी पॉपुलर है यूएस का उस
केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट बट इक्वल, मतलब सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने जिम क्रो लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। उन्होंने कहा कि अलग अलग अगर सेग्रीगेशन किया जा रहा है हर एक पब्लिक प्रॉपर्टी का, हर एक पब्लिक प्लेस का, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज इनइक्वालिटी, इट इज इक्वालिटी। आपको हर एक राइट दिए जा रहे हैं लेकिन अलग दिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से जिम क्रो लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुनने में तो अच्छा लगता है कि ठीक है आपके लिए अलग है मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग स्कूल मेरे लिए अलग स्कूल, आपके लिए अलग पार्क मेरे लिए अलग पार्क, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो ब्लैक लोगों के जो पब्लिक प्लेसेस थे, जो है उनका रेलवे लाइन हो, रोडवेज हो, स्कूल्स हो, उस पर सरकार ने ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि सरकार में तो वाइट लोग ही रहते थे, वाइट लोगों का इन्फ्लुएंस रहता था। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट जिम क्रो लॉज अल्टीमेटली लेड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट कि सेपरेट बट इक्वल, ये वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, दैट सेपरेट लेड टू इनइक्वालिटी। और इस कारण से ब्लैक मूवमेंट या कलर्ड मूवमेंट वापस से पिक करने लगा यूएस के अंदर, और एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाया कलर्ड लोगों ने मिलकर के, जिसका नाम रखा गया नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909 टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ कलर्ड पीपल। और ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस तरीके से स्ट्रगल करता रहा फॉर द राइट्स, सिविल राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। और इसमें कई सारे लीडर्स आए, इसके जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं ही वॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और यहाँ पे मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को रिप्रेजेंट किया है, और उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्पीच है, ये स्पीच एज इट इज भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप मेंस में भी इसको लिखने में इस्तेमाल करेंगे, एसे में तो खासकर आप इस्तेमाल करेंगे। उनका एक पॉपुलर स्पीच है जो उन्होंने 1963 में दिया था, वो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ये इसी नाम से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, दैट आई हैव अ ड्रीम स्पीच वॉज गिवन बाई हूम, आंसर इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगर पूरा स्पीच देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा था दैट आई हैव अ ड्रीम दैट माय फोर लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो ये जो स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अगेंस्ट रेसिज्म, अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ दुनिया भर के अंदर, और बाकी पूरे दुनिया भर में फिर डिमांड्स होने लगे कि ब्लैक लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटी चल रही है यूएस के अंदर उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एंड ये जो स्पीच था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, दैट बिकेम अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइट एक्सप्लॉयटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस कारण से फिर 1963 में जॉन एफ केनेडी, 1963 में देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था यूएस के अंदर, और जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट थे उस टाइम में जॉन एफ केनेडी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो एक ऐसा सिविल राइट लॉ पास करेंगे जिसकी मदद से ब्लैक लोगों के अगेंस्ट हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाएगा। और जब जॉन एफ केनेडी वन द इलेक्शन एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट, सो ही इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो ए बिल नोन एज सिविल राइट्स रिफॉर्म बिल फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल। लेकिन जॉन एफ केनेडी वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। ये बात मैं आपको इस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, आप देखो दो यूएस प्रेसिडेंट, वन वॉज ऑफकोर्स अब्राहम लिंकन एंड जॉन एफ केनेडी, टू यूएस प्रेसिडेंट्स हैव बीन असैसिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस। आप सोचो कि वहाँ पर वाइट लॉबी कितनी स्ट्रांग है, और ब्लैक लोगों को जब इक्वल पावर देने की बात होती है तो वाइट लॉबी, इवन दे गेट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका असैसिनेटेड। लेकिन फिर भी जॉन एफ केनेडी के बाद जो अगले प्रेसिडेंट बने लिंडन जॉनसन, ही ऑल्सो वॉज ऑफकोर्स वाइट, लेकिन उन्होंने ये सिविल राइट रिफॉर्म बिल जो जॉन एफ केनेडी ने प्रपोज किया था वो पास करा दिया। और इसके साथ ही ऑल सच सब सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल सच सॉर्ट ऑफ डिसेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस वॉज रिमूव। तो ये अलग अलग पार्क्स बनाना, अलग अलग स्कूल्स बनाना, ये सारी जो डिसेग्रीगेशन के प्रोसेस थे इसको ख़त्म कर दिया गया, और ब्लैक लोगों को पूरी तरह से मर्ज कर दिया गया वाइट सोसाइटी के अंदर। लेकिन फिर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएस के अंदर, ये लॉ पास हो गया, जिम क्रो लॉज खत्म हो गया, और ब्लैक लोग अब टेक्निकली मिक्स हो सकते थे वाइट लोगों के साथ, फिर भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएस के अंदर कंटिन्यू रहा इन वन फॉर्म और अदर। एक हद से आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक तो ये कम हुआ व्हेन बराक ओबामा बिकेम प्रेसिडेंट। आप सोचो कि बराक ओबामा वॉज फर्स्ट
अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओवरऑल ही इज 44th प्रेसिडेंट। लेकिन लगभग 250 सालों बाद जाकर के पहला ऐसा इंसान जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कलर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो जाकर के प्रेसिडेंट बन पाया। तो आप सोचो कि कितना डिफिकल्ट है वहाँ पे कलर्ड लोगों के लिए पॉलिटिकल सेगमेंट में राइज करना। नेवर्थलेस बराक ओबामा के टाइम में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया था अगेंस्ट ब्लैक पीपल, लेकिन जब से उनके सक्सेसर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम प्रेसिडेंट, इम्प्लिसिटली ही हैज़ बीन सपोर्टिंग वाइट सुप्रीमेसी अगेन। दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वाइट ब्लैक पीपल बाय द वाइट पीपल इज इम्प्लिसिटली बीइंग प्रमोटेड। उनका जो पूरा का पूरा अगर प्रेसिडेंशियल कैंपेन देखें आप 2016 का, दैट वॉज वेरी मच सेंटर्ड अराउंड इट। और ये जो हाल फिलहाल का मिनीसोटा वाला इंसिडेंट है ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, वेयर जॉर्ज फ्लॉयड वॉज किल्ड, उसमें भी वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो इन्फ्लेमेटरी नेचर के हैं। आई कांट स्टैंड बैक एंड वॉच दिस हैपन टू अ ग्रेट अमेरिकन सिटी मिनियापोलिस, अ टोटल लैक ऑफ लीडरशिप, आइदर द वीक रेडिकल लेफ्ट मेयर जैकब फ्रे गेट हिज एक्ट टुगेदर एंड ब्रिंग द सिटी अंडर कंट्रोल और आई विल सेंड नेशनल गार्ड टू गेट द जॉब डन राइट। मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये धमकी दे रहे हैं। और फिर आप देखो इस पर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को बोला है कि इट इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर एंड यू आर ग्लोरीफाइंग वायलेंस। तो मतलब एक तरह से ट्विटर ने धमकी दी है, थ्रेट दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इस तरह का स्पीच ना दिया करें, इस तरह के ट्वीट ना दिया करें। तो आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिटली डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन नाउ प्रमोटिंग वाइट सुप्रीमेसी। देखो एक बात अच्छे से आप ध्यान से समझ लो यहीं पर, डोंट राइट इन एग्जाम दैट डोनाल्ड ट्रंप इज प्रमोटिंग और डोनाल्ड ट्रंप इज अ रेसिस्ट। डोंट राइट लाइक दैट, इतने हार्ड और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बातें लिखनी भी हैं तो मेरे लैंग्वेज को जरा ध्यान से देखो और इस तरह का सॉफ्ट लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे। दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ गिवन इम्प्लिसिट सपोर्ट टू वाइट सुप्रीमेसी, हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन वॉज वेरी मच सेंटर्ड अराउंड इट, बट डोंट राइट द स्टेटमेंट्स लाइक ही इज रेसिस्ट, बिकॉज इससे आपके नंबर कट जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट इरावती डॉल्फिन। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। IIT मद्रास ने एक प्रोजेक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट पास किया है जिसकी मदद से चिलिका लेक की सफाई की जा सकती है, चिलिका लेक की ड्रेजिंग की जा सकती है। ड्रेजिंग का सरल शब्दों में मतलब है कि उसके अंदर का जो मड वगैरह है उसको रिमूव किया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट में IIT मद्रास ने काफ़ी डिटेल्ड तरीके से स्टडी की है, पूरी जियोटेक्निकल हाइड्रोलिक सेटेलाइट इमेजनरी की स्टडीज़ की है जिसकी मदद से ड्रेजिंग किया जा सकता है विदाउट हैम्परिंग और विदाउट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन लेक इकोसिस्टम। देखो इस तरह की ड्रेजिंग जब भी हम करने जाते हैं तो सफाई तो हो जाती है लेकिन जो लेक का इकोसिस्टम है, फिशेस की अपना जो इकोसिस्टम है, जो उनका अपना कोरल्स है जिसमें वो सर्वाइव करती है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए ड्रेजिंग रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम और इस कारण से मड वगैरह को रिमूव कर पाना मुश्किल हो जाता है। और जब मड वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर फिशेस को नुकसान होता है। सो दिस वे इट इज प्रॉब्लम, अगर ड्रेजिंग करें तो उनका इकोसिस्टम खराब हो जाता है फिशेस का और वो मरने लगती हैं और फिर लोकल फिशरमैन्स को तकलीफ होती है। और अगर ड्रेजिंग ना करें तो मड होने लगता है और मड होता है तो फिर फिशेस की पॉपुलेशन कम होने लगती है, फिर लोकल फिशरमैन सफर करते हैं। तो अब IIT मद्रास ने किस तरह का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ऑफ ड्रेजिंग जिसकी मदद से हम ड्रेजिंग करेंगे विदाउट हैविंग इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम ऑफ लेक। और इसकी मदद से ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है कि इसकी मदद से ड्रेजिंग इस तरीके से हम करेंगे कि देयर विल बी नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द लेक इकोसिस्टम, एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स विल बी ट्रिपल्ड। तो जब मड्स वगैरह हटा दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रेजिंग तो पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स इन दिस एरिया नोन एज इरावदी डॉल्फिन्स विल बी ट्रिपल्ड, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखो ड्रेजिंग का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे करके रखा हुआ है, ड्रेजिंग सिंपली मीन्स क्लियरिंग द बेड ऑफ ए हार्बर और ए रिवर By scooping out mud, weeds and rubbish with a dredge, इसको कहते हैं dredge और इसकी मदद से mud वगैरह को remove करने को हम dredging कहते हैं। अब एक बार जरा सा चिलिका लेक के बारे में समझ लेते हैं। देखो चिलिका लेक इज एशियाज लार्जेस्ट लगून या ब्रैकिश वाटर लेक। देखो वो लेक दो ही तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर लेक या फिर लगून या ब्रैकिश वाटर लेक यानी कि सॉल्टी वाटर लेक। सॉल्टी वाटर लेक वो होते हैं जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड सॉल्टी वाटर लेक आर जनरली अराउंड द कोस्ट क्योंकि उसमें फिर ओशन का पानी भी, सी का पानी भी मिक्स हो जाता है। एंड चिलिका लेक इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून, इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा के कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइटी बे ऑफ बंगाल बाई ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड।
तो ये देखो, ये पूरा इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल है और एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेट करता है इस चिलिका लेक को बे ऑफ बंगाल से। इट इज स्प्रेड ओवर पुरी एंड खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड इट इज़ ऑन द माउथ ऑफ दया रिवर दैट फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल। इन 1981 चिलिका लेक वॉज डिजिग्नेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे इस साल के लिए। एंड द मेजर अट्रैक्शन ऑफ चिलिका लेक इज ऑफकोर्स इरावदी डॉल्फिन। उनका उनके लिए ही ये नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है ताकि इनकी पॉपुलेशन को 3 times बढ़ाई जा सके। उसके अलावा अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट चिलिका लेक इज नालबाना आइलैंड। दैट नालबाना आइलैंड इज अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन साइड द चिलिका लेक इटसेल्फ। चिलिका लेक के अंदर बहुत छोटे 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 आइलैंड्स भी हैं, तो उसी में एक तरह का आइलैंड है नालबाना आइलैंड। एंड दिस नालबाना आइलैंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी। उसके अलावा एक और आइलैंड है जिसपे एक टेम्पल, काफी पॉपुलर टेम्पल, कैलीजाई टेम्पल सिचुएटेड है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, कैलीजाई टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और ऑप्शन हो सकते हैं चिलिका लेक और कुछ और ऑप्शन हो सकता है। आंसर विल बी चिलिका लेक। उसके अलावा इरावदी डॉल्फिन जिनके पॉपुलेशन को ट्रिपल करने के लिए प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उनके बारे में भी जरा सा ब्रीफली देख लेते हैं। इरावदी डॉल्फिन आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ एशिया रीजन एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स। तो सरल शब्दों में देखो, या तो इरावदी डॉल्फिन कोस्टल एरियाज में मिलेंगे जैसे कि ये हमारा चिलिका लेक है, ऐसे जगहों पर मिलेंगे ये इरावदी डॉल्फिन, या तो फिर ये दुनिया के 3 रिवर्स में मिलते हैं, यानी कि या तो कोस्ट में मिलेंगे यानी कि ब्रैकिस वाटर में मिलेंगे, या तो दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वहाँ पे इरावदी डॉल्फिन मिलती है। पहला तो इरावदी रिवर ऑफ म्यांमार में इरावदी डॉल्फिन मिलती है, उसके अलावा महाकाम रिवर ऑफ इंडोनेशिया में एंड मेकोंग रिवर ऑफ चाइना में इरावदी डॉल्फिन मिलती है। एंड इरावदी डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन चिलिका लेक इज कंसिडर टू बी द हाइएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन एंड दे आर कैटेगराइज्ड एज इनडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड डेटा बुक। तो ये सारे पॉइंट्स आप इरावदी डॉल्फिन के बारे में याद रखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। In our query segment today, we will talk about magnetic and geographic poles of the earth. तो देखो, geographic poles of the earth, आप सबको एक बात तो पता है कि our earth rotates around an axis from west to east, right? तो जिस axis के around हमारा earth rotate करता है उस axis को हम कहते हैं geographic pole, और उसमें एक side को हम कहते हैं geographic north। जैसे इस केस में हमने ये जो ब्राउन कलर से एक्सिस दिखाया है दिस इज ज्योग्राफिक पोल, और इस साइड में आर्कटिक सी के साइड वाले रीजन को हम कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जो नीचे वाला साइड है अंटार्कटिका साइड इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक साउथ। उसके अलावा हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। मैं अपने ज्योग्राफी और स्टूडेंट्स को तो कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये भी बता चुका हूँ कि ये क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो आई होप कि आपको एक बात तो पता है कि आर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और मैग्नेट का भी अपना एक पोल होता है, आप सबको पता है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, तो उसका भी अपना एक पोल होगा, तो उस पोल को हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। और ये रेड कलर से हमने अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ रिप्रेजेंट किया है। हम कोई भी मैग्नेट यूज करते हैं तो आप देखते हैं उसका एक पोल होता है, और वो दूसरे मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ दूसरे मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ के साथ अलाइन हो जाता है। तो हमारा अर्थ का भी एक इस तरह का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है जो नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ है हमारा, उससे लगभग 10 degrees साइड दूसरे साइड में कनाडा साइड में है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ के 10 degrees दूसरे साइड में हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, और वैसे ही ज्योग्राफिक साउथ के लगभग 10 degrees इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में हमारा मैग्नेटिक साउथ। सो आप सबको पता है कि आर्कटिक के ऊपर हमारा है ज्योग्राफिक नॉर्थ, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है दैट इज समवेयर नियर एल्समेर आइलैंड इन नॉर्थ कनाडा। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारा ज्योग्राफिक पोल तो फिक्स है, दैट डज नॉट चेंज, लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक पोल है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये अपना एंगल बदलता रहता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ अर्थ। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 396 to 400. Topic number 396 is pyrocumulonimbus
cloud. The pyrocumulonimbus cloud are essentially a thunderstorm that forms from the smoke plume of a fire. That intense heat from fire causes air to rise rapidly, drawing in a cooler air. देखो इस साल ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के कारण बहुत सारे इस तरह के क्लाउड्स बने थे और इस कारण से ये इस साल इम्पॉर्टेंट है. As the clouds climb and then cools in the low temperature of the upper atmosphere, the collision of the ice particle in the higher parts of the cloud build up an electrical charge which can be released as lightning. These can cause dangerous and unpredictable changes in the fire behavior, making them harder to fight, as well as causing lightning strikes that could ignite new fires. The rising air also spurs intense updrafts that suck in so much air that the strong wind develop, causing a fire to burn hotter and spread further. इस कारण से भी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था इस साल. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 397 इज अबाउट ओशन डीऑक्सीजनेशन रिपोर्ट. इसका सरल शब्दों में पहले मतलब समझा देता हूं मैं. ये रिपोर्ट पब्लिश किया IUCN ने, जिसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन के अंदर का जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और उस कारण से ओशन के अंदर जो स्पीसीज रहते हैं फ्लोरास फॉनास वो धीरे धीरे मर रहे हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर 50 ईयर्स 2% ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट इनसाइड द ओशन हैज बीन रिड्यूस्ड. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 398 इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट. इट इज एन एनुअल रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन. And this emphasizes on the state of world economy viewed through the lens of 2030 agenda for sustainable development. Actually, it is released by United Nations Department of Economics and Social Affairs, United Nations Conference on Trade and Development and 5 United Nations Regional Commissions. इस कारण से आपको सारे के सारे जो United Nations के ऑर्गेनाइजेशन से सब याद नहीं करने, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता. आंसर विल बी यूनाइटेड नेशन. टॉपिक नंबर 399 इज अबाउट शत्रुघ्न चौहान केस. द शत्रुघ्न चौहान केस इज अबाउट रिजेक्शन ऑफ मर्सी पेटिशन बाय प्रेसिडेंट दैट वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू डिले इन डिस्पोजल ऑफ देयर मर्सी पेटिशन, मेंटल इलनेस एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज सुपरवीनिंग ग्राउंड. सरल शब्दों में प्रेसिडेंट अगर बहुत ज़्यादा अनड्यू डिले कर देते हैं मर्सी पेटिशन पे अपना फैसला लेने को, उस हालत में सुप्रीम कोर्ट वापस से उस कन्विक्ट की सजा को कम कर सकता है, फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू मर्सी पेटिशन केस. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक नंबर 400 इज अबाउट बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन. द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ bacteriological or biological and toxic weapons on their destruction was first multilateral disarmament treaty banning the production of entire category of weapons. It was opened for signature on 10th April 1972 and entered into force on 26th March 1975. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 391 to 395 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 396 to 400 can be attempted by students, and you can give the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Please note one point. जैसा कि मैंने promise किया था कि I will be giving you 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims, और जो UPSC prelims schedule था that was scheduled tomorrow, that is on 31st May. लेकिन अब ये exam defer हो गया है, for the time being postpone हो गया, तो हमें थोड़ा और वक्त मिल गया है. So if you people are willing, I can give more questions beyond 400 topics. वैसे तो मैंने 400 topics का plan किया था जो आज तक systematically ख़त्म हो जाता और ये 400 topic के basis पे आप कल exam दे देते, लेकिन जब अब exam पोस्टपोन हो गया है तो अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ और क्वेश्चंस कवर कर सकता हूं अंदर दिस सेगमेंट, अदरवाइज वी कैन स्टॉप दिस सेगमेंट. सो प्लीज गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस थ्रू दिस सेगमेंट, सो वी कैन ऐड मोर टॉपिक्स एंड मे बी वी कैन कवर 600 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. सो प्लीज गिव योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्रोसीड. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.